फेवरेट एयरिंग्स, आई लव दिस एयरिंग्स, कैसी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और हम सबके लिए दुआगो होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ अपनी एयरिंग्स कलेक्शन। मैंने सारे एयरिंग्स को बिखरा बुखरा के आप लोगों के सामने रख दिया है, तो अब मैं वन बाय वन आप लोगों से शेयर करूँगी अपने एयरिंग्स कलेक्शन। गाइस, मेरे मोबाइल का कैम तो इतना ख़ास नहीं है, लेकिन जो भी है ना, आपने फिर भी मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। जब तक आप मेरे सब्सक्राइबर पूरे नहीं करेंगे तो मैं कैसे अच्छा मोबाइल ले सकूँगी, मैं कैसे ले सकूँगी आईफोन। ज्वेलरी तो और भी मेरे पास बहुत है, बट एयरिंग्स कलेक्शन मेरे पास जस्ट ये ही है, इसलिए मैं आज आप लोगों से शेयर करने लगी अपनी एयरिंग कलेक्शन। सो डोंट स्किप द वीडियो। फर्स्ट एयरिंग कलेक्शन ये मैंने ली थी अपने दोस्त के भाई की शादी में। ये जस्ट एयरिंग्स नहीं थी, इसके साथ नेकलेस भी था और बिंदी भी थी, लेकिन अभी मैंने जस्ट एयरिंग्स रखी हूँ। इनको मैंने एक से दो बार वेयर करने के बाद अच्छी तरह से मैंने इनको पैक करके रख लिया था, और ये बहुत ही खूबसूरत एयरिंग्स हैं, और इनको मैंने बड़े संभाल संभूल के रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं इनको बहुत दफ़ा यूज़ करूँगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर। देखें, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत काम हुआ है इसके ऊपर। गाइज, ये है मेरी सेकेंड एयरिंग कलेक्शन, सॉरी, इसको लिए हुए तकरीबन 12-13 साल हो गए, और ये इस तरह के एयरिंग्स हैं। ये देखें, ये कान में डालने के बाद जो इसकी ये चेन सी है ना, इसको आप कान के आगे भी कर सकते हो या पीछे भी कर सकते हो, और ये भी बहुत खूबसूरत एयरिंग है। और ये मुझे मेरे मामू ने दिलाए थे, एक छोटी ईद थी ना, उस पर ये मुझे पसंद आ गए थे, मेरी अम्मा मुझे नहीं दिला रही थी, कह रही थी ये फजूल हैं, इतने बड़े एयरिंग्स तुम पहनोगी। अच्छा, बचपन में बड़ा शौक होता है कि लंबे लंबे बुंदे पहने हुए हों और नज़र आ रहे हो आप जब इधर उधर हिलो, और उसके साथ आपके बुंदे भी हिलें, बड़ी शौक होती है आपको इस चीज़ की। तो ये थे मेरे सेकेंड एयरिंग्स, और ये मेरे मामू ने मुझे दिलाए थे, और ये मुझे किसी को देने का दिल नहीं करता, ये मैंने बड़े संभाल संभूल के रखे। मैं यकीन माने कि इनका जो कलर तब था ना, आज तक इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ, और इसका एक नेक भी बिल्कुल नहीं निकला, इसको मैंने बड़े संभाल संभूल के रखा हुआ है, और ये मैं नहीं दूँगी किसी को, इनको मैं हमेशा संभाल के रखूँगी, क्योंकि मेरे मामू ने मुझे दिलाए थे। द नेक्स्ट वन एयरिंग इज दिस। गाइज, ये ना बाली नुमा बाली टाइप के एयरिंग्स हैं ना, तो ये मैंने किसी इवेंट में नहीं लिए थे, जस्ट मैं कज़न के बेटे की बर्थडे थी उस पर मैं ये वेयर करके गई थी, और उसी दिन मैंने लिए थे। मैं उसके लिए कुछ टॉयज़ देने गई थी ना उसको गिफ्ट करने के लिए, तो ये वहाँ पे बस मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने ले लिए थे। कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये, लेकिन ये अब मेरा पहनने का दिल नहीं करता। ये जो एयरिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ये मैंने किसी इवेंट पे नहीं लिए थे, बल्कि ये बस मैं ऐसे ही मार्केट गई थी और वहाँ पे लगे हुए थे, और लाइट वेट से ना मैंने ले ही लिए थे, लेकिन आज तक मैंने इनको वेयर नहीं किया, जस्ट मैंने लेके रख ली था। आप इनको दोनों साइड से वेयर कर सकते हो, मतलब अगर आपको ये छोटा वाला ट्राइंगल कान पर रखना है तो आप इस साइड से भी कर सकते हो, अगर आपको बड़ा वाला कान पर रखना है तो आप इस साइड से भी कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट एयरिंग्स हम लेकर आते हैं ये वाले। द नेक्स्ट वन एयरिंग्स ये वाले हैं गाइस, कि गोल्डन से हैं और लाइट वेट से हैं, ये मुझे अच्छे लगे थे बस मैंने ले लिए थे, और इनको भी मैंने नहीं पहना हुआ, ये इनको मेरी अम्मा ने यूज़ किया हुआ है। तो ये है मेरे नेक्स्ट एयरिंग कलेक्शन। अच्छा, आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरे कौन से वाले एयरिंग्स ज़्यादा अच्छे लगे हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वन एयरिंग्स मेरे ये वाले हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये मेरी अम्मा के हैं, और मेरी और मेरी अम्मा की ज्वेलरी एक ही जगह पे मैंने संभाल के रखी हुई होती है, इसलिए ये भी मैं साथ लेकर आ गई थी। मुझे ये झुमकी वाले एयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली भी झुमकी वाले एयरिंग्स, तो ये मेरी अम्मा के एयरिंग्स हैं। गाइज, ये हैं मेरे नेक्स्ट एयरिंग्स, ये मैंने रिसेंटली अपने कज़न की शादी में लिए थे। मेरा ब्लैक ड्रेस था, उसके साथ मुझे रेड दुपट्टा कैरी करना था, और मेरे पास कोई रेड एयरिंग्स नहीं थे, तो इस वजह से ये मैंने इमरजेंसी में ले लिए थे, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगे थे, बस मैंने ले लिए थे। ये बहुत इसी अच्छे मुझे इस वजह से लगते हैं कि इनका बिल्कुल भी वेट नहीं है, लाइट वेट से पहने हुए हों तो पता ही नहीं चलता कि कुछ कानों में डाला हुआ भी है कि नहीं। वन मेरे एयरिंग्स ये वाले हैं, और मोस्ट फेवरेट एयरिंग्स, आई लव दिस एयरिंग्स, कैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। नेक्स्ट एयरिंग्स मेरे ये वाले हैं, ये मैंने आज से पता नहीं 7-8 साल पहले लिए थे, लेकिन आप यकीन माने कि इनका कलर ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ, ये देख सकते हैं आप लोग, मेरे कैमरे में तो ब्लर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इनका कलर
बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, जैसे थे ना ये वैसे ही हैं आज तक। कितनी बार मैंने इनको यूज़ भी किया है लेकिन ये ख़राब नहीं हुए ज़रा भी। बात ये होती है ना गैस कि अगर आप किसी चीज़ को लेते हो ना, अगर आप उसको संभाल के रखते हो ना तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती है। इसको भी रख देते हैं बाकी इयररिंग्स के साथ। अगर आप चीज़ को एक बार यूज़ करोगे उसको संभाल के नहीं रखोगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है मेरे ख्याल से। तो ये इयररिंग्स अब आप क्लियरली देख सकते हैं, लाइट वेट्स हैं, बड़े खूबसूरत से हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट इयररिंग्स मेरे ये वाले हैं और ये भी मतलब मुझे अच्छे लगते थे लेकिन इनका कलर अब ख़राब हो चुका है, तो इसलिए शायद मैं अब इनको ना मुझे पहनने का मौका मिले और ना मेरा दिल करे इनको पहनने का। ये भी लाइट वेट से हैं, ये भी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे लेकिन ये बड़े पुराने हैं गाइस। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, अब तो मैं ज्वेलरी नहीं लेती, ये जो मेरी ज्वेलरी है ना, कुछ दो के तीन इयररिंग्स मेरे रिसेंटली मैंने कज़न्स की शादी थी तो तब लिए होंगे, बाकी सब पुराने इयररिंग्स हैं। अच्छा नेक्स्ट वन ये भी मुझे बड़े पसंद है गाइस। ये इयररिंग्स जो हैं बड़े प्यारे टॉप्स टाइप से हैं ना, इस तरह से ही हैं। इनको जब आप कान में डाल के बंद कर तो नहीं, इस तरह से, इस तरह से ये देखें प्यारे हैं ना गाइस। ये छोटे से चुन्ने मुन्ने से इयररिंग्स, ये एक ही बार की मैंने लिए थे कज़न की शादी में, तो ये मेरी अम्मा ने ही पहने थे, मैंने नहीं पहने थे, मुझे इनको पहनने का मौका नहीं मिला, इसका दूसरा कहाँ गया। ये इनको भी यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा नेक्स्ट वन ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था, ये टॉप्स नहीं थे, इसके साथ नेकलेस भी था और रिंग भी थी। इसका नेकलेस भी मैंने संभाल के रखा हुआ है और टॉप्स भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं। इनको मैंने वेयर भी किया हुआ है काफ़ी बार, इनका कलर भी थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है लेकिन ये मेरा फेंकने को दिल नहीं करता क्योंकि ये गिफ्ट है, इसलिए मैंने इनको बड़े संभाल के रखा हुआ है। इसको भी रख देते हैं साइड पर। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये जो इयररिंग्स हैं ना, ये मुझे मेरी कज़न ने लेकर दिए थे और ये मैंने आज तक इनको वेयर नहीं किया। मेरी बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी कज़न है, ये मुझे उसने दिए थे तो मैंने इनको आज तक एक बार भी नहीं पहना, लेकिन उसने दिए थे ना और ये मुझे इतने अच्छे भी नहीं लगते लेकिन फिर भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं कि उसने दिए थे तो ये मैंने रखे हुए हैं। ये है मेरे नेक्स्ट वन टॉप्स, ये टॉप्स नहीं, इनके साथ नेकलेस भी है लॉकेट सा, तो ये इस तरह से जब आप कान में डालते हो ना, ये इस तरह से। ये भी मैंने एक ही दफ़ा छोटी ईद पे पहने थे, उसके बाद ये आज तक मुझे पहनने का मौका नहीं मिला। इसको भी यहाँ पर रख देते। ये वाले इयररिंग्स हैं, ये मैंने तीन चार बार पहने हैं लेकिन ये भी यकीन माने बड़े पुराने, मैंने ईद पर लिए थे आज से पता नहीं कितने साल पहले। थोड़ा थोड़ा इनका कलर ख़राब हो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा, तो इसलिए ये भी मैंने रखे हुए, इनको भी यहाँ साइड पर रख देते हैं। द लास्ट वन इयररिंग इज़ माई फेवरेट वन गाइस, ये जो है ना ये कुंदन की है, लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि ये असल कुंदन है। असल कुंदन के प्राइस तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, वो हम लोग नहीं परचेज़ कर सकते। तो ये मैंने अपनी कज़न की शादी में लिए थे, हैं तो ये कुंदन की, लेकिन मुझे अच्छे लगे थे। आपको मैंने पहले ही बताया ना कि मुझे ना ये झुमकी वाले कांटे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो ये मैंने इसलिए लिए थे और ये मैंने एक ही दफ़ा पहने हैं, उसके बाद मुझे पहनने का मौका नहीं मिला इसको। तो ये है मेरे लास्ट इयररिंग्स। अच्छा आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो इयररिंग्स कलेक्शन है ही नहीं, बहुत ही मुख्तसर से, बहुत ही शॉर्ट से मेरे इयररिंग्स कलेक्शन है। अच्छा गाइज़ आप लोग बताइएगा कि आपको मेरे इयररिंग्स में से कौन से वाले इयररिंग्स सबसे ज़्यादा पसंद आए। तो कैसे लगी मेरी आपको इयररिंग्स कलेक्शन, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।